प्रॉब्लम है, अंदर सोल्यूशन है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक भाई, तारक भाई, बच्चे खेलते हैं क्रिकेट, रोज खिड़कियों के कांच टूट जाते हैं, कांच फोड़े इसे प्लेयर्स रिकॉर्ड तोड़ जाते हैं। प्रेम हो तो सास माँ बन जाती है। अच्छा, बहू सास माँ। प्रॉब्लम्स तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अरे दया, अरे मेरी शर्ट कहाँ है? मेरे पास है, ला रही हूँ। अरे तो क्या मेरा शर्ट पहन के घूम रही हो क्या? लाओ जल्दी। अरे इस्त्री कर रही थी। हाँ लाओ, ये लीजिए। अरे ये तो नया शर्ट लग रहा है, ये कहाँ से आया? हाँ तो ये मैंने खुद आपके लिए खरीदा है, आपके ऊपर बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा, मेरे लिए तुमने शर्ट खरीदा? हाँ। तो बदले में अपने लिए कितनी साड़ियाँ खरीदी? एक भी नहीं खरीदी। एक भी नहीं? क्यों क्यों? पिछले हफ्ते तो आपने दिलवाई थी ना। ओहो, बिना स्वार्थ के तू मेरे लिए नया शर्ट लेकर आई? बात हजम नहीं हो रही है। सच सच बताओ, क्या चाहती हो तुम? आपको। हाँ तो देखिए ना, आप हमारे लिए कितनी सारी मेहनत करते रहते हो, दिन रात काम करते रहते हो, ये दुकान का टेंशन, सोसाइटी की परेशानी और ऊपर से हमारी गलतियाँ, फिर भी आप सब कुछ चुपचाप सहन करते हो। ये सब मत बोलो, मुझे चक्कर आ गया दया। अरे वो पानी, पानी लाओ। नहीं नहीं, पानी रहने दो। आज तुम मेरी इतनी तारीफ क्यों कर रही हो? अब जो सच है वो तो बोलना ही पड़ेगा ना। नहीं, सच तो है, वो तो बराबर है, पर अभी उसमें क्या, अभी ये पति का फर्ज है। और पति का ये भी फर्ज है कि कभी कभी पत्नी की भी बात माने। धीरे धीरे लाइन पे आई गई तुम। बताओ क्या मनवाना चाहती हो पति से? ज्यादा कुछ नहीं, एक मोती का हार खरीदा है, उसके लिए पैसे चाहिए। दया, पिछले हफ्ते तुमने ज्वेलरी खरीदी ना, अभी दोबारा मोती का हार लेने की क्या जरूरत थी? अरे पर वो मैंने अपने लिए नहीं खरीदा। तो क्या अपनी माँ के लिए खरीदा? नहीं। तो सोसाइटी के गणपति बापा के लिए खरीदा। अरे तो पहले बोलना चाहिए ना दया, गणपति बापा के लिए लिया है तो उसमें कौन सी बड़ी बात है, दो हार ले लेने चाहिए। कोई बात नहीं, रात को मैं आऊंगा दुकान से, तभी दे दूंगा, ठीक है? हाँ, हाँ। चलता हूँ। सुनिए, अभी क्या है? आप कितने अच्छे हो। अरे नटखट। आश, आज दया ने पीछे से टोका नहीं, आज का दिन अच्छा जाएगा। अरे क्या पंडित जी, एक हार बनाना भी नहीं आता है। रुको रुको, देखा ऐसे पहनाते। देखा जेठालाल, सिर्फ सोसाइटी नहीं
भगवान भी तुमसे खुश नहीं है। सुधर जाओ, सुधर जाओ। नीचे उतरो, नीचे उतरो, मैं पहनाता हूँ। बोलो अभी। ठीक है लगाता हूँ, लगाता हूँ। ऐसे कैसे हो गया पंडित जी? गणपति बाप्पा मोरिया। देख लिया, दूसरों पे कीचड़ उछालने वाले का मुंह पहले काला होता है। एम लागे छे कि गणेश जी नाराज छे, इसलिए हार नहीं पहन रहे। ये तो अपशकुन है, अब क्या होगा? हाँ हाँ, ये तो अपशकुन हुआ है। देखिए, मुझे लगता है गणपति जी नाराज हो गए और इसीलिए हार नहीं पहन रहे, और मेरे हिसाब से तो ये सबसे बड़ा अपशकुन है। जरूर किसी ने कोई गलती की है, इसलिए गणपति पापा नाराज हो गए। हे माँ, माता जी, आपने तो कोई उंबाड़ियो नहीं किया है ना? उंबाड़ियो? वो ये उंबाड़िया क्या होता है? आप जिसे हिंदी में गलती बोलते हैं ना, उसको हम गुजराती में उंबाड़ियो बोलते हैं। बताओ ना। अरे पागल हो गई, सब में मैं ही देखता हूँ तुमको। देखा आपने, देखा, खुद गलती करते हैं और दूसरों को डांटते रहते हैं। अब आप ही बताइए ये क्या करे? अब ये पति पत्नी के बीच मैं क्या कहूँ? अरे हमारी बात नहीं कर रही है पंडित जी, ये बोल रही है अभी गणपति बाबा का क्या करे, इसका उपाय क्या? देखिए, एक ही उपाय है, जिसने भी गलती की हो वो अकेले में जाकर गणपति जी के सामने माफी मांग ले। बराबर है माजी बेन, आप क्या कहते हैं? शुरुआत पुरुषों से ही करते हैं। अभी मौका मिला है तो माफी मांग लेना। चुप रह, नॉनसेंस जैसी बात मत कर। बोलो आप, बोलो, मेरे गणपति बापा सब सुन रहे हैं। तो मम्मी आंटी, आप लोग सब मेहता अंकल के घर पे बैठी है। हाँ, चलो 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 चलो। तो आप तय कर लीजिए कि सबसे पहले माफी कौन मांगेगा। उंगली उड़ गया। ठीक है। अरे भाई टप्पू, ये स्पीकर वगैरह क्या है? क्या दया भाभी का कुछ गरबे का प्रोग्राम है या कुछ नया गाना वाना सुना रहा है हम सबको तू? आज आप वो सारी बातें सुनेंगे जो आपने कभी नहीं सुनी। मतलब? अंकल, इस स्पीकर का माइक वहाँ गणपति जी की मूर्ति के पास रखा हुआ है। अब वहाँ जो भी अपनी गलती बताएगा वो सब हमें यहाँ सुनाई देगा। भाई। नहीं नहीं टप्पू बेटा, गलत बात है बिल्कुल। किसी की भी बात चोरी छुपे सुनना बहुत बड़ी गलती है। नहीं मेहता साहब, प्लीज सुनने दीजिए ना, पता तो चले कि सोनू के पापा ने क्या गलती की है। हाँ, हाँ, मेरी माँ ने भी कहा है कि पत्नी का धर्म होता है पति की गलतियों को सुधारना। अगर हमें ही पता नहीं चलेगा तो सुधारेंगे कैसे? हाँ हाँ, मुझे भी रोशन की सारी बातें सुननी है। लेकिन आप लोग समझिए तो। ओह कम ऑन मेहता साहब, आज दूध का दूध और पानी का पानी हो जाने दीजिए। ठीक है, जैसे आप लोगों की मर्जी। मम्मी मैं आया। अंजलि, वो गणपति पाजी, मुझसे ना एक गलती हो गई है। वो मैनू प्लीज माफ कर दो, मैंने रोशन से वादा किया था कि मैं अब शराब नहीं पीऊंगा, मगर क्या करूं जी, 4 दिन पहले यार दोस्तों के साथ ना
पीना छोड़ दिया, इसी खुशी में दो पैग पी डाले जी। और उसके बाद गणपति पाजी मैंने मीठा पान खाया और मिंट की गोलियां भी खाई, और घर जाकर रोशन के पूछने में उसको बोल दिया कि मैंने शराब नहीं पिया जी। मैनू सच में ना चंगा नहीं लग्या गणपति पाजी, मैनू ना माफ कर दो तुसी जी। मैं आपसे अब वादा करता हूँ कि अपनी सोनी वोटी को अब कभी झूठ नहीं बोलूंगा, अब ना उसको बता कर ही पीऊंगा जी बस। ओ मैं जी इन्ना ही कहना सी जी तुहानू, तुसी मैनू सुनिया, मैनू माफ किया जी, बहुत 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 धन्यवाद जी। चंगा जी गणपति पापा जी, गणपति बापा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। थैंक यू गणपति पाजी, सत श्री अकाल जी। रोशन रो मत। मैं इसलिए नहीं रो रही हूँ कि उन्होंने मुझसे झूठ बोला, बल्कि इसलिए कि इस बात का उनको कितना बुरा लग रहा है। वो कितने अच्छे हैं और मेरी कितनी कदर करते हैं। वाह, ये होता है पॉजिटिव एटीट्यूड। गलती में भी अच्छा ही निकला, गुड। मगर ये बात उनको नहीं बताना, उन्होंने मुझसे झूठ बोला ना। आने दो कभी पान और मिंट की गोलियां खाकर, फिर देखती हूँ। सॉरी गणपति पापा, आप तो जानते हैं मैं अपने खाने पे कंट्रोल नहीं कर सकता, पर मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये बात ना आपके और मेरे बीच में ही रखना। वो कोमल के जितने भी रिश्तेदार मेरे पास दवाई लेने आते हैं ना, तो मैं उनको वो पिपरमेंट वाली गोलियाँ देता हूँ। आप तो जानते ही हैं मेरी दवाई के इफेक्ट कम और साइड इफेक्ट्स ज्यादा होते हैं, पता नहीं अजीब अजीब से रिएक्शन होते हैं। अगर ये बात कोमल को पता चल गई ना, तो वो एक्शन में आ जाएगी और उसका मुझ पर डबल रिएक्शन हो जाएगा। सॉरी गणपति बापा। भाभी कंट्रोल योरसेल्फ, क्या हो गया आपको? ये हाथी इतना टाइम क्यों लगा रहा है? लगता है डॉक्टर साहब ने पूरा कंटेनर भर के गलतियां की है। अरे डॉक्टर साहब, डॉक्टर हाथी। मैं चलता हूँ, और एक ले लो। थैंक यू। हेलो आगे क्या डॉक्टर साहब, बहुत टाइम लगा दिया। उधर भी गणपति पापा की तबीयत चेक कर रहे थे क्या? नहीं, माफी मांगते मांगते नींद आ गई थी। भाई इतना सोते हो तो गलतियां करने का वक्त कब मिलता भाई? चलो भाई भिड़े, अभी आपकी बारी, जाओ। नहीं नहीं, पहले आप जाइए। नहीं नहीं, पहले आप, लेडीज फर्स्ट। मजाक कर रहा हूँ, जाने से डर क्यों रहे हो? सच बोलने से घबरा रहे हो क्या? जेठालाल, मैं एक शिक्षक हूँ और मैं सच्चाई से कभी नहीं डरता। ओ पगतिया, तो देखते जाओ। देखते अब कौन आता है। गणपति बापा, मला माफ कर, वो कल मैंने गुस्से में बोल दिया था कि जेठालाल फैमिली को इस सोसाइटी में नहीं रहना चाहिए, पर क्या करे, आप देख ही रहे, आप देख ही रहे ना कि उस फैमिली में कैसे कैसे नग भरे। वो कल मैंने गुस्से में बोल दिया था कि
जेठालाल फैमिली को इस सोसाइटी में नहीं रहना चाहिए। पर क्या करे, आप देख ही रहे ना कि उस फैमिली में कैसे कैसे नग भरे। हम आपके बारे में गुलाब जामुन जैसा मीठा मीठा सोचते हैं और आप हमारे बारे में कड़वे नीम जैसा सोचते हो। अब मैं क्या करूं, इन्होंने ऐसा बोल दिया तो तभी तो पता चला। नहीं, लेकिन गलती मेरी है, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। वैसे वो बुरे लोग नहीं है, दिल के बहुत अच्छे हैं। बस मेरी इतनी विनती है कि उस जेठालाल को सद्बुद्धि देना ताकि वो जिंदगी की हर परीक्षा में पास हो जाए। हाँ देवा, गणपति बाप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, ध्यान रखना। उनको सद्बुद्धि मिले वैसी प्रार्थना तो मैं भी भगवान से रोज करती हूँ। अरे वाह, अरे चाचा जी आइए आइए। अरे तुम सब लोग यहाँ क्या कर रहे हो? बापूजी पहले आप सुनिए। हे गणपति बापा, मैं जो अभी आपको कहने जा रहा हूँ वो मेहरबानी करके हम दोनों के बीच में ही रखना, किसी और भगवान को भी मत बताना। बापा कल रात मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, कल रात आपकी आरती में मेरा ध्यान भटक गया था, क्योंकि मैं किसी की खूबसूरती में खो गया था। मैं जानता हूँ ये गलत है बापा, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे वो इतनी अच्छी लगती है कि उसे देखते मुझे 440 वोल्ट का करंट लग जाता है। माता जी, ये सुनने से पहले मैं बहरी क्यों नहीं हो गई? ये किसी और से प्यार करते हैं। देखिए दया भाभी, आप चुप हो जाइए प्लीज, लगता है आपको कोई गलत फहमी हुई है। जेठालाल ऐसा नहीं है। गलत फहमी नहीं, गलत पति है ये। मैंने इनके लिए कितनी मन्नतें मानी थी। अरे तू रो मत, मैं हूं ना, मैं देखता हूँ उसे। अगर मैंने उसे सचमुच के बिजली के झटके नहीं दिए ना तो मेरा नाम भी चंपक नहीं। बेटा भाई साहब, वो तो हमेशा आपसे सलाह लेने आते थे, आप ये कैसी सलाह देते हो? अरे भाभी ऐसी सलाह तो मैं खुद को भी नहीं देता, जेठालाल को क्या खाक दूंगा। बापूजी मैं अपनी सौतन के साथ नहीं रह सकती, चलो हम गांव चलते हैं। नहीं, अगर कोई घर से जाएगा तो वो गधेड़ा जेठा जाएगा। बाबू चक ने मेरी नाक कटवा दी। जेठालाल का उतावलापन, क्या कहें इसका, जितना उतावला गलती करने में उससे ज्यादा इकरार करने में। सोच रहा था गणपति जी के सामने गलती स्वीकार कर रहा हूं, कौन जानेगा, किसे पता था कि सारी सोसाइटी के सामने भांडा फूट जाएगा, सबको पता चल जाएगा कि जेठालाल क्या कर रहे हैं। और एक हिंदुस्तानी स्त्री कुछ भी बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन पति की बेवफाई बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब ये सीधी सादी दया भाभी, अगर इन्होंने कुछ विकराल रूप धर लिया और चंपक चाचा वो तो है ही वैसे ही तूफान, पता नहीं इस जेठालाल का क्या होगा, स्थिति बहुत विकट है, कल पता चलेगा, भूलना मत मेरे साथ देखना। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।